हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम से जुड़ी हुई एक नई अपडेट के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, बीए बीएससी बीकॉम या फिर एमए एमएससी एमकॉम कोई भी कोर्स कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, तो फ्रेंड्स आप सबके लिए हम डेली यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जुड़ी हुई अपडेट लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से धन्यवाद। आप वीडियो लाइक कर दीजिए और हम वीडियो आज की शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट बने हुए थे कॉलेज एग्जाम को लेकर कि छात्रों को एग्जाम के लिए प्रमोट किया जाएगा या फिर उनके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, आपकी बहुत सी कमेंट्स आई थी जिनका रिप्लाई हम सोचा कि हम वीडियो में दे दें और आपके जो भी डाउट्स थे वो सब आज क्लियर हो जाएंगे। प्रथम वर्ष के एग्जाम कम हो गए, सबसे बड़ा डाउट्स था स्टूडेंट्स का, जो सीबीएलयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उनका बहुत बड़ा डाउट है ये कि प्रथम वर्ष के एग्जाम कब होंगे बीए बीएससी बीकॉम के। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम आप सबके लिए लेके आए हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है राहुल भरतिया का कि आईजीयू के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चले हुए थे और दो एग्जाम बचे हुए थे 5 अप्रैल और 22 अप्रैल को, वो होगा या नहीं। तो आपको बता दूं कि आईजीयू के एग्जाम जो चले हुए थे यूनिवर्सिटी के, उसके लगभग दो दो एग्जाम सभी स्टूडेंट्स के बच गए थे क्योंकि अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो आपको बता दें कि आईजीयू अपने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती अभी तक, तो यही न्यूज़ है कि आईजीयू ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। तो ऑफलाइन एग्जाम आईजीयू कंडक्ट करवा सकती है लेकिन लॉकडाउन के बाद आपको प्रमोट भी किया जा सकता है। तो 50-50% चांस हैं कि आपको प्रमोट किया जाए या आपके ऑफलाइन एग्जाम लिए जाए। हालांकि फिलहाल ऑनलाइन एग्जाम के लिए कोई भी आपका जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार नहीं है। तो ये था राहुल भरतिया का क्वेश्चन। आपका अगला नेक्स्ट जो मेम्बर है उसका क्वेश्चन है क्या है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कमेंट है वो है रिया बोरिया की कि सीबीएलयू फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे। नेक्स्ट कमेंट है हैप्पी वर्मा की, सर क्या सीबीएलयू बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे। और इससे के बाद जो कमेंट है वो सीबीएलयू के बीएससी फर्स्ट ईयर की डेट शीट कब तक आएगी। तो डेट शीट कब तक आएगी, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, और एग्जाम होंगे तो कब तक होंगे, ये तीन क्वेश्चन है तीन कमेंट्स में। तो आपकी डेट शीट पहले जो फाइनल ईयर के जो थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के हैं यूजी और पीजी के, पहले उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपके एग्ज़ाम के बारे में कोई विचार होगा। फिलहाल तो आपकी डेट शीट आएगी या नहीं आएगी इस पर यूनिवर्सिटी का कुछ कहना नहीं है। पहले आपका नोटिस जारी होगा कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवाएंगे इस तारीख से, उसके बाद आपकी डेट शीट आएगी। आप जो सीबीएलयू की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहिए, अभी तक आपके एग्ज़ाम को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर। हालांकि एक बार नोटिस जारी हुआ था कि पहले यूजी और पीजी के थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, उसके बाद आपके एग्ज़ाम हम लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का नोटिस जारी करेंगे। तो फिलहाल आपके लिए कोई न्यू अपडेट नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। हालांकि आप यूनिवर्सिटी की साइट पर विजिट करते रहिए, आपको अपडेट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या कमेंट्स है, इसके बाद है अशोक यादव की कि आईयू यूनिवर्सिटी के बीए सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे। तो पीछे लगभग आपके एक महीने पहले आपके जो फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे वो कंडक्ट करवाए गए थे, जैसे कि मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि लगभग एक डेढ़ महीने पहले आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे। तो लगभग आपके अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के शुरू में आपके एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ले सकती है, इससे ज़्यादा कोई अपडेट नहीं है आपके लिए। इसके बाद है पूजा गोयल का क्वेश्चन कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, ये कमेंट मैंने इसलिए उठाया है कि आप ना तो यूनिवर्सिटी का नाम बताते और ना ही अपना सेमेस्टर बताते, इसलिए इस कमेंट का हम कोई रिप्लाई नहीं दे सकते कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, क्योंकि इन्होंने ना तो यूनिवर्सिटी बताई और ना ही अपना सेमेस्टर बताया है। इसलिए आप जो भी कमेंट करें वो पूरा कमेंट करें कि हम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इस सेमेस्टर में स्टडी करते हैं और ये हमारा क्वेश्चन है, तभी हम आपको रिप्लाई दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है पवन भारद्वाज का कि सर आईजीयू वाले करेंगे क्या एग्ज़ाम। तो इसका भी यही डाउट मैं क्लियर कर दूं कि
फ्रेंड्स आप अपना कमेंट प्लीज़ पूरा लिखिए। तो IGU वाले अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी तक प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है, कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी नहीं करवा सकती अभी तक। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ कमेंट पूरा लिखिए, तभी मैं आपके जो कमेंट्स का सॉल्यूशन आपको दे पाऊँगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है नेहा भारद्वाज और पवन भारद्वाज का, क्या फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे IGU के? तो फ्रेंड्स IGU के आपके लगभग हाफ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए गए थे, यानी 4 एग्ज़ाम होते हैं, तो लगभग स्टूडेंट्स के 2 या 3 एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवा लिए थे BA BSc BCom सभी कोर्स के, लेकिन बाद में अचानक से लॉकडाउन लग गया था, इस कारण यूनिवर्सिटी अपने जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं कर सकी। तो फ्रेंड्स इसी को लेकर अभी तक यूनिवर्सिटी ने ना कोई नोटिस जारी किया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन दिया है स्टूडेंट्स के लिए कि आपके बचे हुए एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, किस प्रकार से हम कंडक्ट करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल के लिए आप अपनी तैयारी पूरी रखें, यूनिवर्सिटी कभी भी नया नोटिस जारी कर सकती है, तो आप अपनी तैयारी में कोई भी कसर ना रखें, आप रेगुलर स्टडी करते रहें, जैसे ही कोई न्यू नोटिस आता है आपको हम वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। और यही मेरा आंसर CBLU के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है कि आप अपनी जो तैयारी है वो पूरी रखें, ताकि आपको जब एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाई, हालांकि CBLU ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है कभी भी, लेकिन नोटिस जारी ज़रूर करेगी उससे पहले, तो आप अपनी जो तैयारी है वो पूरी रखें। अगर आपका अब भी कोई डाउट है, न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका, तो आप कमेंट कर दें आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, कौन से सेमेस्टर में आप स्टडी करते हैं, और उसके बाद ही अपना क्वेश्चन लिखें। तो फ्रेंड्स ये कुछ एक कमेंट्स थे जो मैंने उठाए हैं, आपका जो भी डाउट है वो आप वीडियो में डाल दें, वीडियो की जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।